सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अमित एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसा कि आप सबको पता है कि आज इस वीडियो में विनर की अनाउंसमेंट होने वाली है, जो भी हमने आर्ट कंपटीशन रखा था। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और इसमें मैं विनर की अनाउंसमेंट करूँगा। तीन कैटेगरी में हमने विनर्स को डिवाइड किया था। तीन कैटेगरी में हमारा आर्ट कॉम्पिटिशन हुआ था, जिसमें हमने तीन कैटेगरी में सबको अलग अलग प्राइज़ दिए थे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कैटेगरी में। और तीनों कैटेगरी में तीन तीन प्राइज़ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। सो टोटल 9 प्राइज आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। और सो कौन होंगे वो लक्की देखते हैं इस वीडियो में। वीडियो के एंड तक जो देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और आपको देखने को मिलेगा कि छोटे से छोटे बच्चे ने और बड़े से बड़े बच्चे ने कितने अच्छे आर्ट वर्क बनाए हैं। और सो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो आप, मैंने आपको 9 प्राइज दे रहा हूँ तो आप इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हो। सो जाओ एक बार लाइक कमेंट कर दो। तो बिना ये देखिए किसको प्राइज़ मिला है किसको नहीं मिला, तो आप पहले जाके लाइक कमेंट कर दो वीडियो पे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले मैं आगे और भी ऐसे कंपटीशन कराऊं। और ये लास्ट कंपटीशन नहीं है, आगे हम रेगुलर बेसिस पे आर्ट कंपटीशन करेंगे और गिव अवे करेंगे। सो गिव अवे की अनाउंसमेंट 3-4 दिनों तक मैं इसी चैनल पे कर दूंगा। सो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और जुड़े रहना। अगर आपका प्राइज़ इसमें नहीं भी निकलता है तो आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करना, उसमें आपका प्राइस शायद निकल जाए, क्योंकि गिव अवे हम आर्ट के बेसिस पे नहीं सिलेक्ट करेंगे कि किसका कितना अच्छा है, वो हम रेंडमली सिलेक्ट करेंगे। सो वो देखते हैं कैसे क्या होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। सो आज देखते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइस किसका आया है। सो विनर की अनाउंसमेंट से पहले एक इंपॉर्टेंट बात कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सबकी आर्ट एंट्रीज दिखाई थी, लेकिन उसमें कुछ बच्चों की रह गई थी क्योंकि उनकी मेल मेरे पास नहीं आई थी। तो उनकी एंट्री मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। सो आप एंट्री देखो, उसके बाद हम विनर की अनाउंसमेंट करेंगे। गाइस, आपको पता है कि हमारे फ़ोन की प्रोटेक्शन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और फ़ोन की प्रोटेक्शन ही नहीं, हम अपने फ़ोन के लुक्स को इन्हेंस करने के लिए भी कवर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको एक पेज के बारे में बताता हूँ, एनेक्सा ऑफिशियल। आप जाके इंस्टाग्राम से यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। आईफोन के प्रीमियम केसेस आपको यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी के केसेस मिलेंगे, जाओ और ऑर्डर करो। ये मेरा ही पेज है और आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट भी देखने को मिलेंगे। अब हम अनाउंस करते हैं विनर। सो फर्स्ट कैटेगरी में से पहले सिलेक्ट करते हैं हम विनर को। सो फर्स्ट कैटेगरी है अंडर एज 12, जिसमें कि हमारा थर्ड प्राइज जीता है निशांत ने, जो कि सिर्फ 11 साल के हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छा स्केच बनाया है। और बाकी इम्प्रूवमेंट करेंगे तो और अच्छा होगा फ्यूचर में। और इनको मिलता है 200 रुपीज़ का कैश प्राइज। और कॉन्ग्रेचुलेशन निशांत आपको। सो आपको आपकी पेमेंट दे दी जाएगी ऑनलाइन गूगल पे या पेटीएम के थ्रू, आपसे बात करके, जैसे भी आपको कंफर्टेबल होगा वैसे। सो कंग्रेचुलेशन और ऐसे ही इम्प्रूव करते जाओ। सो सेकंड प्राइज है देवराज का, जो कि 11 साल के हैं और उन्होंने भी काफ़ी अच्छी ड्राइंग बनाई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये जीते हैं सेकंड प्राइज। बाकी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो आप टाइम के साथ इम्प्रूवमेंट करते रहोगे, लेकिन मेरा काम था कि एंट्रीज में से सिलेक्ट करना, मैंने वो किया है। तो आप इम्प्रूवमेंट करो और काफ़ी अच्छी ड्राइंग आपने बनाई है और आप इससे भी अच्छी बना सकते हो। सो आपको मिलता है सेकंड प्राइस और आप जीते हो 200 रुपीज़ कैश प्राइस। सो जो कि आपको दे दिए जाएंगे आपसे बात करके। सो जो फर्स्ट कैटेगरी है हमारी, उसका विनर है अभिषेक, जिन्होंने काफ़ी अच्छा स्केच बनाया है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो कि सिर्फ 11 साल के और काफ़ी अच्छा स्केच बनाया है, काफ़ी अच्छे से शेड किया है और काफ़ी अच्छे से हाइलाइट्स दिए। सो कॉन्ग्रेचुलेशन अभिषेक, आप जीते हो फर्स्ट प्राइज। आपको मिलते हैं जिप्रोनिक्स के ईयरबड्स और आइवरी शीट एंड आर्ट लाइन का पेंसिल का बॉक्स। सो आपको ये सब प्राइज आपको मिलता है और आपको ये दे दिया जाएगा आपसे बात करके। सो कॉन्ग्रेचुलेशन अभिषेक। तो सेकंड जो कैटेगरी है वो है 12 to 18, जिसमें 12 से 18 साल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। और उसमें से थर्ड प्राइज निकला है स्केच आर्टिस्ट 007, जिनका स्केच आपको यहाँ दिख रहा है। इन्होंने अपना नेम मेंशन नहीं किया, लेकिन इनकी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। और इनको मिलता है थर्ड प्राइज, इन्होंने काफ़ी अच्छा ट्राई किया है और इनको मिलते हैं 200 कैश प्राइज।
तो जो सेकंड प्राइज जीते हैं वो है आदित्य सिंह, जिनका स्केच आपको यहाँ पे दिख रहा है, और इन्होंने काफ़ी अच्छा ट्राई किया बनाने का और काफ़ी अच्छा बनाया है। सो ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए, ऐसे ही इम्प्रूव करते जाओ, और आप जीतते हो सेकंड प्राइज़, और आपको मिलते हैं 200 कैश प्राइज़ जो आपसे बात करके आपको दे दिए जाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। और फर्स्ट प्राइज़ है जो कि सेकंड कैटेगरी में है, वो है सुजीत खोसले का, जिन्होंने काफ़ी अच्छा स्केच बनाया जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, और मुझे काफ़ी पसंद आया है इनका स्केच, और सिलेक्ट करने काफ़ी मुश्किल थे, बाकी सबके भी आर्ट वर्क काफ़ी अच्छे थे, और सिलेक्ट करना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन मुझे इनका बेस्ट लगा, और इन्होंने काफ़ी अच्छे से बनाया है, काफ़ी अच्छे से शेड किया है, और इनको मिलता है फर्स्ट प्राइज़। सो इनको मिलते हैं ईयरबड्स जिब्रोनिक्स के, और आर्ट लाइन की पेंसिल, और आइवरी शीट का पैकेट। सो ये सब आपको आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा, आपसे एड्रेस लेके और आपसे बात करके। सो ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो और अच्छे अच्छे आर्ट वर्क बनाते रहो और इम्प्रूव करते रहो। सो जो थर्ड कैटेगरी हमारी 18 अबव, उसमें थर्ड प्राइज निकला है हमारा विक्रांत का, जिन्होंने काफ़ी अच्छा स्केच बनाया, उन्होंने काफ़ी अच्छे से शर्ट को शेड किया है जैसे कि आप देख सकते हो, और काफ़ी रियलिस्टिक लग रही है इनकी शर्ट, काफ़ी अच्छे से शर्ट को शेड किया है, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनका स्केच। तो इनको मिलता है थर्ड प्राइज़, और इनको मिलते हैं 200 कैश प्राइज़। सो कॉन्ग्रेचुलेशन विक्रांत, तो आपको आपका प्राइज़ दे दिया जाएगा आपसे कॉन्टैक्ट करके। सो जो थर्ड कैटेगरी है उसमें सेकंड प्राइज जो निकला है रंजन कुमार का, कॉन्ग्रेचुलेशन रंजन, आपको मिलता है सेकंड प्राइज, और ये है आपका स्केच, आपने काफ़ी अच्छा स्केच बनाया, काफ़ी अच्छे से शेड किया है। सो आपको मिलता है सेकंड प्राइज, और आपको मिलते हैं 200 कैश प्राइज जो कि आपसे बात करके आपको दे दिए जाएंगे, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और जो थर्ड कैटेगरी है हमारे जो फर्स्ट विनर है वो है कामिल सैयद, जिन्होंने ये स्केच बनाया और काफ़ी अच्छा स्केच बनाया, मुझे काफ़ी पसंद आया इनका स्केच, इन्होंने काफ़ी अच्छे से शेड किया है और काफ़ी एक्यूरेट इन्होंने स्केच बनाया है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सो इनको मिलता है फर्स्ट प्राइज़, आपको मिलते हैं ईयरबड्स जिब्रोनिक्स के, और आइवरी शीट एंड आर्ट लाइन की पेंसिल का बॉक्स। सो कॉन्ग्रेचुलेशन और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सो ये है हमारे आर्ट कॉम्पिटिशन के विनर। सो प्लीज़ बाकी जिनका प्राइज नहीं आया वो बुरा मत मानना, मुझे काफ़ी मुश्किल हुआ इनको सिलेक्ट करने में। सो प्लीज़ बाकी सब बुरा मत मानना और अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो, और इसके बाद नेक्स्ट गिव अवे आ रहा है जिसमें आपको ड्राइंग से रिलेटेड कुछ नहीं होगा, उसमें आपको सिर्फ पार्टिसिपेट करना है, और आपको प्राइज दे दिया जाएगा रैंडमली सिलेक्ट करके। सो उसमें भी काफ़ी अच्छे प्राइजेस आपको देखने को मिलेंगे। सो गिव अवे एंड गिव अवे के बाद एक आर्ट कॉम्पिटिशन भी आएगा। सो आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो, और वेट करो नेक्स्ट कॉम्पिटिशन का, शायद आपको प्राइज उसमें मिल जाए। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और बाकी सब अपनी प्रैक्टिस करते रहो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।